हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भास्कर एंड वेलकम टू दिस चैनल टेक्नो इन। फ्रेंड, मेरे चैनल पे आज यूट्यूब ने स्ट्राइक कर दिया था। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो इस वीडियो को ठीक से देखिए, क्योंकि यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, कॉपीराइट गाइडलाइंस होता है। तो क्या है ये स्ट्राइक और कैसे, अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आता है तो कैसे हैंडल करेंगे आप, और इसका क्या इफेक्ट होता है आपके चैनल के ऊपर, तो ठीक से देखिए। स्टे ट्यून्ड टिल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, पहले आपको मैं बताता हूँ कि क्या है कम्युनिटी गाइडलाइंस। यूट्यूब का दो गाइडलाइंस होता है, एक कॉपीराइटेड और एक कम्युनिटी। कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये आता है कि अगर ऐसा कुछ आप आइटम डालते हो आपके वीडियो पे, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल आइटम्स, हार्मफुल आइटम्स, कॉपीराइट, वायलेंट, हेटफुल कॉन्टेंट, थ्रेट्स एंड ऑल्सो स्पैम एंड स्कैम्स। स्पैम एंड स्कैम्स यानी कि खुद व्यूज़ बढ़ाना यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स कमेंट देना ताकि आपका चैनल ऊपर आए। अगर ये सब आप वीडियो में डालते हो, अगर ये होता है तब आपका चैनल को, आपका वीडियोस को, जिस वीडियो में ऐसे अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस होंगे, इस वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर देंगे और ऐसा एक ईमेल भेजेंगे, यूट्यूब योर वीडियो हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम यूट्यूब। ऐसे एक मेल भेजेंगे कि दिस वीडियो अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस, सो यू हैव रिव्यूड एंड यू हैव रिमूव इट फ्रॉम यूट्यूब। सो अगर ऐसा मिलता है तो क्या करना है आपको, ठीक है। मान लीजिए यू आर अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस, तब ये जाके आपके लिए थोड़ा ख़राब रहेगा। पर ये जो मेरा वीडियो, ये मेल जो आया था जिस वीडियो में ये स्ट्राइक दिया था, वो वीडियो ऐसा कुछ इट वॉज़ नॉट अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस एट ऑल, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको मिलेगा हाउ यू कैन रेस्पॉन्ड। साइन इन करने के बाद यू कैन फिल दिस फॉर्म, ये क्लिक करने के बाद एक फॉर्म मिलेंगे। अभी ये लिंक अभी डीएक्टिवेट हो गया, डिजेबल हो गया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था मेरा ये सॉल्व हो चुका है। सो इस दिस फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने अपील किया कि इट वाज जस्ट सी दी वीडियो टिल एंड, वॉच दिस वीडियो टिल एंड, इट वाज नॉट अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस, इट वाज जस्ट ए व्हाट्सअप ट्रिक। ओके, जो वीडियो था मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, अगर ये देखिए मेरा जो ब्लू टिक इन व्हाट्सएप ग्रुप, ये इस वीडियो को मैंने इसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। तब जाके मैं अपील किया, उसके बाद अपील करने के बाद उसने, यूट्यूब वालों ने मुझे मैसेज दिया कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर वीडियो अपील टू यूट्यूब, आफ्टर फर्दर रिव्यू वी हैव डिटरमाइंड दैट योर वीडियो डज नॉट वायलेट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, योर वीडियो हैज़ बीन reinstated and your account is in good standing. Your account is in good standing क्या है ये देखिए, YouTube अगर आप खोलते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाइए क्रिएटर स्टूडियो, उसके बाद चैनल पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कॉपीराइटेड स्टेटस एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस स्टेटस, दो स्टेटस है। ये जो ग्रीन देख रहे हो और ये जो स्माइली देख रहे हो, ये यहाँ पे आ जाएंगे, और कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आप आते हो तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। मेरा जो था कॉपीराइटेड नहीं था, मैंने किसी का कोई आइटम नहीं चुराया, नहीं यूज़ किया, इसलिए ये मेरा ठीक ही था। तो यहाँ पे मैं ये जो दिया था अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस, सो ये जो स्माइली था ये इधर पे आ गए थे, और उसका ये जो ग्रीन कलर, ये थोड़ा अलग कलर आ गए थे, मैं भूल गया क्या कलर था। तो ये था आपका बेसिक स्ट्राइक, यानी कि ऐसा स्ट्राइक 3 बार मिलने से आपका चैनल को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग ए चैनल विच इज़ टू ओल्ड एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है, तब आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्योंकि फिर से सब्सक्राइब को क्रिएट बनाना, उसके बाद व्यूज़ बढ़ाना, ऐसे मुश्किल पड़ जाएंगे। तो आप तो ये मेरा तो कुछ नहीं था ऐसा, मेरा सब्सक्राइबर भी नहीं थे तो व्यूज़ भी नहीं थे, तो मैंने ईजिली क्रिएट कर सकता था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपील किया, उसके बाद मेरा जो स्टैंडिंग, जो गुड स्टैंडिंग, यानी कि ये जो यहाँ पे आ गए थे तो यहाँ पे आ गए, और जो मेरा वीडियो डिलीट कर दिया था वो फिर से रीइंस्टेटेड कर दिया, मतलब यानी कि वीडियो फिर से पब्लिक के लिए व्यूएबल हो गया। तो ये था बेसिक स्ट्राइक। इसलिए डोंट यूज़ कॉपीराइटेड आइटम्स, यानी कि बॉलीवुड सॉन्ग्स
आपका हॉलीवुड सॉन्ग्स किसी का भी गाना मत यूज़ कीजिए आपके वीडियो पे, किसी का भी वीडियो क्लिप ना ले। मान लीजिए कुछ न्यूज़ चैनल में दे रहा है, वो आप क्लिप कट और करके आप वीडियो बना दिया, वो भी मत कीजिए। व्हाट एवर यू वॉन्ट टू अपलोड, यू अपलोड बाय योर सेल्फ योर कॉन्टेंट, योर ओन कॉन्टेंट, ठीक है। और कम्युनिटी गाइडलाइंस जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है ये सब आइटम्स आप मत यूज़ कीजिए, नहीं तो आपका चैनल को यानी कि यूट्यूब जो है अभी इस पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, और उसका जो एक टीम है इस अगर न्यू वीडियोस अगर अपलोड होता है इसके ऊपर ये सर्च करता है और रिव्यू करता है। जब भी आपका कोई कंटेंट ऐसे मिल जाते हैं तो उसको स्ट्राइक डाल देते हैं और डिलीट भी कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ऐसे ही दीजिए। और जो ये जो लाइन है वीडियो के, आपका वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। वो लोग वीडियो ना देखते ही नहीं, कभी कभी टाइटल देख के ही वो वीडियो को स्ट्राइक कर देता है, वीडियो को डिलीट कर देता है। इसलिए मैं जो था हाउ टू यहाँ पे दिया था, मेरा ये पे लाइन जो देखिए आप, हाउ टू नो हु हैज सीन योर मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप, ये मैं सेंस कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे देखिए, ब्लू टिक इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये टाइटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप जो टाइटल यूज़ करेंगे तब ब्रैकेट में डाल दीजिए कि व्हाट्सअप टिप्स, ऐसे ही यूज़ कीजिए डायरेक्टली, कुछ मतलब ऐसा टर्म मत यूज़ कीजिए ताकि उन लोग को ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि दिस इज़ अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस और सम कॉपीराइटेड आइटम्स। तो यही था आज के लिए, ये जो आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर यू आर ए न्यू यूट्यूबर, और इफ़ यू आर ए ओल्ड यूट्यूबर ऑल्सो, अगर यूट्यूब स्ट्राइक ऐसा ही एक चीज़ है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। It's a request, and thank you for watching.